गुड इवनिंग। वैसे आ रही पिछले क्लास में हम लोगों ने पार्लियामेंट स्टार्ट किया था। ठीक है, तो पार्लियामेंट जो संसद है, हम लोगों ने देखा कौन से आर्टिकल में बात हुई थी 79 में ना, कि एक संसद होगी और संसद के तीन अंग होंगे, राज्यसभा, राष्ट्रपति और लोकसभा। 79 में बात हुई थी। आर्टिकल 80 में क्या बात हुई, काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्यसभा के बारे में। और आर्टिकल 81 में किसकी बात हुई थी, हाउस ऑफ पीपल, लोकसभा के बारे में। दोनों की संरचना के बारे में हमने देखा था कि अधिकतम सदस्य कितने थे राज्यसभा में, 250 और लोकसभा में 550। दो जो सीटें थी वो हटा दी गई है ना, अंग इंडियन की जो थी आपकी। बाकी ये सब चीजें आप लोगों ने देखा होगा जो चार्ट है। प्रेजेंट में अगर देखें तो 245 और जिसमें से 12 जो है वो मनोनीत होते हैं, और यहाँ पर जो है वो 543 है जो लोकसभा में है। कुछ चीजें आप लोगों ने देखा था कि संसद भवन का निर्माण किसने किया था, तो एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर। क्लियर, पार्लियामेंट सब कहां से लिया गया, फ्रांस से। और मेन चीजें जो थी वो कहां से ली गई थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। जब ये कहा जाता है कि हमारा जो भारतीय पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो इंग्लैंड के वेस्टमिंस्टर से मॉडल के समान है, तो इसका मतलब ये वो जगह है जहां पे इंग्लैंड की संसद है। द्विसदनी व्यवस्था हमारे किस एक्ट में देखने को मिली, तो वो 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में देखने को मिली थी। हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा कहा गया और काउंसिल ऑफ स्टेट को राज्यसभा कहा गया। बीच का एक स्थान होता है संसद में, सेंट्रल हॉल, जहां पे भाषण होता है। राज्यसभा की संरचना की बात की थी हम लोगों ने आर्टिकल 80 में, ठीक है ना। सदस्य बनने के लिए कितनी आयु चाहिए, 30 वर्ष कम से कम राज्यसभा के लिए। 12 सदस्य जो नॉमिनेट होते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, वो साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा, इन क्षेत्र के जो विशेषज्ञ होते हैं उनको शामिल किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। 238 जो मेंबर आते हैं वो आपके राज्यों और यूटी से आते हैं। क्लियर, और इनका जो चुनाव होता है, आपको बताया था कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली है विधानसभा, उसमें जो निर्वाचित सदस्य हैं उनके द्वारा आनुपातिक पद्धति, एकल संक्रमणीय प्रणाली जो होती है उसके द्वारा किया जाता है, जो हम लोगों ने राष्ट्रपति केस में देखा था। और ये जो सीटों का आवंटन है कि किसी भी राज्य से कितनी सीटें जाएंगी वहां पर, तो ये होंगे आपके टोटल, जो भी डिसाइड होगा वो फोर्थ शेड्यूल जो हमारे पास है, चौथी अनुसूची, उससे डिसाइड होगा। एक एक्ट आया था आरपीए एक्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि बहुत सारी चीजें संविधान में नहीं थी, जैसे राज्यसभा के कार्यकाल के बारे में नहीं था, तो वो आरपीए एक्ट 1951 के तहत ऐड किया गया। जो कार्यकाल रहा वो कितना, 6 वर्ष, जबकि लोकसभा का जो कार्यकाल था वो 5 वर्ष डिफाइन था, ठीक है ना। इसमें एक और बात की गई थी कि राज्यसभा में जो निर्वाचित होने के लिए सदस्य हैं या प्रत्याशी हैं वो उसी राज्य से होने चाहिए जिस राज्य से उन्हें आना है, लेकिन 2003 में इस आरपी एक्ट में संशोधन हुआ और ये कहा गया कि ऐसी कोई जरूरत नहीं है, आप किसी और राज्य के हैं तो भी आप सिलेक्ट हो सकते हैं। क्लियर, 2 वर्ष वाली व्यवस्था हमने देखा था कि असल में जो फर्स्ट राज्यसभा और लोकसभा की बैठक हुई थी वो 1952 में, जो 6 साल के लिए कार्यकाल रखा गया था, लेकिन पहली बैठक में ये तय किया गया कि कुछ सदस्य जो 1/3 हैं वो 2 साल में रिटायर हो जाएंगे, बाकी जो 1/3 हैं वो 4 साल में होंगे, बाकी 1/3 6 साल में होंगे। इसलिए हम लोग देखते हैं कि आज जो व्यवस्था चल रही है, हर 2 साल में 1/3 सदस्य निकलते रहते हैं, और इस तरह से हम देखते हैं कि राज्यसभा कभी पूरी तरह से भंग नहीं होती, जिसकी वजह से हम उसे परमानेंट हाउस कहते हैं। क्लियर, और राज्यसभा को शिक्षित तथा वृद्धों का सदन कहा जाता है। इतनी सारी बातें हम लोगों ने कर ली थी स्टूडेंट। आगे हम लोग बात करते हैं आज लोकसभा के बारे में। राज्यसभा की चीजें क्लियर हो गई थी, ठीक है ना। अच्छा, जो भी मेंबर राज्यसभा के हटते हैं वो रीइलेक्ट हो सकते हैं, मतलब वापस चुने जा सकते हैं, ये भी प्रावधान किया गया है, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग किसकी, लोकसभा की बात करते हैं। तो आर्टिकल कौन सा है लोकसभा का, आर्टिकल 81, ठीक है।
तो आर्टिकल 81 में लोकसभा की संरचना की बात की गई है। अधिकतम सदस्य हम लोग देख चुके हैं लोकसभा में कितने होते हैं, 550। प्रेजेंट सिनेरियो राज्यों से अगर हम देखें तो इन 550 में जो 530 सीटें हैं वो राज्यों से हैं और यूटी से जो है वो 20 सीटें हैं। लेकिन करेंट सिचुएशन ये नहीं है, ये तो मैक्सिमम की बात हो रही है कि मैक्सिमम 550 और राज्यों से 530 और यूटी से 20। लेकिन रिसेंट की देखोगे तो आप चीजें समझो जरा कि क्या है, प्रेजेंट की कंडीशन कुछ और है। ये अधिकतम सदस्य हैं तो 530 जो आते हैं वो राज्यों से आते हैं और यूटी से आते हैं 20। लेकिन वर्तमान में टोटल 543 सदस्य हैं जो लोकसभा में हैं और ये जो 543 है उसमें से राज्यों से कितने हैं 524। तो 530 की जगह 524 हैं अभी, मतलब 6 सीटें अभी खाली हैं और यूटी से जो है वो आपके 20 की जगह 19 हैं। तो प्रेजेंट सिनेरियो ये है, हम लोग मैक्सिमम वाले की बात कर रहे हैं, क्लियर है। तो हमने देखा कि लोकसभा के लिए जो मैक्सिमम सदस्य संख्या है वो 550 और 530 राज्यों से आते हैं, 20 यूटी से आते हैं, ठीक है। आपको एक चीज बताई थी कि एक आर्टिकल था आर्टिकल 331 जो हमें ये कहता था कि दो आंग्ल भारतीयों का मनोनयन राष्ट्रपति द्वारा होता है, इसलिए जो संख्या थी वो 552 थी। लेकिन 104वां संविधान संशोधन हुआ 104 और उस अमेंडमेंट में इस आर्टिकल को हटाया गया, निरस्त किया गया और इसके द्वारा जो दो अंग भारतीय थे इनके मनोनयन को समाप्त कर दिया गया। इसी वजह से हम देखते हैं कि 552 की जगह अब जो सीट है वो आपकी 550 है, क्लियर हुआ सबको। 552 पहले था लेकिन आर्टिकल 331 में दो सीटों का मनोनयन था राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन जो 104वां संविधान संशोधन हुआ उसमें हटा दिया गया उसे। तो आज की डेट में जो मैक्सिमम सीट है वो 550। कार्यकाल सबको पता चली गया, 5 वर्ष है। सदस्य बनने की आयु 25 वर्ष, राज्यसभा के सदस्य बनने की आयु क्या थी 30 वर्ष और उसका कार्यकाल क्या था 6 साल, लेकिन लोकसभा का है 5 साल। देखिए थोड़ा सा अंतर है, यहाँ का जो निर्वाचन होता है वो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। लोकसभा का जो निर्वाचन होता है वो अलग होता है, राज्यसभा में क्या था स्टूडेंट, राज्यसभा में अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आप इस चीज को ये वाला पढ़ सकते हैं, ये पद्धति। तो राज्यसभा में जो हुआ था वो इस पद्धति से चुनाव था, ठीक है। क्या पढ़ते हैं उसको हम लोग, तो राज्यसभा में हम लोग पढ़ते हैं कि ये जो पॉइंट हो रहा था वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति था, एकल संक्रमणी, जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के इसमें यूज हो रहा था सीक्रेट बैलेट पेपर वाला। आंग्ल भारतीय का मतलब होता है कि जैसे वो अंग्रेज और भारतीय, जैसे अंग्रेज रहा होगा और यहां पर नागरिकता वगैरह मिल गई होगी, तो उस तरह से। तो हमने देखा कि यहां पर जो निर्वाचन है राज्यसभा का वो इस पद्धति से है, ये पद्धति आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति एकल संक्रमणी। लोकसभा में अलग होता है, लोकसभा का क्या है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, ये निर्वाचन होता है। ये क्या होता है ये हर कोई जानता है, देखो बहुत सिंपल है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम का मतलब होता है, कभी भी सोच के देखो, जैसे हम लोग लोकसभा का जब चुनाव होता है तो क्या होता है, आप लोग वोट देने जाते हैं, ईवीएम मशीन वगैरह होती है, अगर आप उसमें देते हैं तो उसमें प्रत्याशियों के नाम रहते हैं, जैसे बीजेपी कांग्रेस और समथिंग, आप वोट का बटन दबा देते हैं। मान लो 100 लोगों ने वोट दिया, इन 100 लोगों में जिसकी मेजोरिटी होगी वो बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। नॉर्मल चुनाव कैसा होता है, हमारी बात समझ में आ पा रही है, नॉर्मल चुनाव जैसे होता है सेम वही लोकसभा है, इसमें मतलब बहुत तामझाम नहीं है, जिसमें हम लोग सीधा पार्टिसिपेट करते हैं जाकर, तो हम लोग जाकर के बस बटन दबा दिए उनको वोट चला गया, अब जब काउंटिंग होगी तो जिसको ज्यादा वोट मिल जाएंगे वो जीत जाएगा, यही तो होता है। तो जिसको ज्यादा वोट मिल गया वो जीत गया, यही है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। अब सपोज करो कि किसी प्रत्याशी को 56% मिल गया, ठीक है, जैसे सपोज करो 100 वोट है, इस 100 वोट में से कोई एक प्रत्याशी है उसको कितने वोट मिल गए, मान लो 56 वोट मिल गए, ठीक है ना, 56 वोट मिल गए, बाकी वोट इसको नहीं मिले, या 56 भी छोड़ो, मान लो 36 वोट मिल गए, बाकी वोट अलग अलग पार्टी को चला गया, किसी को 20 चला गया, किसी को 10 चला गया, किसी को 15 चला गया, किसी को 30 चला गया, मतलब ऐसे हुआ है और करके 100 हो गया, लेकिन जीता तो घोषित 36 वोट वाला ही जाएगा ना।
बट क्या पूरी जनता की सहमति थी 36 वोट वाला? ये तो 36 लोग का ही तो वोट पाया, लेकिन फिर भी सरकार बनेगी। तो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में एक सबसे बड़ी कमी क्या है कि इसमें वो व्यक्ति भी जीत जाएगा जिसको जनता का पूरा सपोर्ट भी नहीं है, बस उसको इतना देखना है कि उसका वोट ज्यादा होना चाहिए, वो उसको 10 ही वोट क्यों ना मिले। हो सकता है कि 90% जनता गई ही ना वोट देने, 10 ही लोग गए, तो 10 लोग वोट देंगे और तब भी सरकार बन जाएगी। बात समझ में आ रही है ना, क्योंकि वोट जितना ज्यादा होगा। तो ये एक खामी है इसकी, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, मतलब इसमें ये है कि बस आपको ये देखना है कि किसको ज्यादा वोट मिले। तो इसमें हम लोग, ये निर्वाचन डायरेक्ट वाला होता है जिसमें हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं, जिस तरह से राज्य में विधायकों के लिए होता है एमएलए के लिए, जब सीएम बनते हैं तो सीधा सीधा हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं, तो वही प्रोसेस इसमें होता है। अब सबसे बड़ी बात ये होती है कि लोकसभा में सीटें, हम थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करते हैं कि लोकसभा में सीटें कैसे जाती है। जैसे हमने कहा कि सीटें तय कैसे हुई, कि राज्यों से 530 ही है, ये तय कैसे हुआ? इतने बड़े देश में केवल 530 सीटें कैसे तय हुई कि राज्यसभा से जाएंगी, और यूटी से कैसे तय हुई कि बीसी जाएंगी, मतलब टोटल मिलके 550। तो कोई तो बेस रहा होगा जिसके आधार पर सीटें रही होंगी। भाई सीट तो हम हजार भी कर सकते थे, नहीं, लोकसभा में सीट तो हम हजार भी कर सकते थे, 1200 भी कर सकते थे, हमने केवल उसको 550 ही क्यों किया, और 530 राज्यों से क्यों रहा और 20 यूटी से क्यों रहा। तो देखो क्या होता है स्टूडेंट्स, इसमें एक सिंपल सा पॉइंट है, लोकसभा में जो सीटें हैं वो पॉपुलेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जिस भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी से जितनी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से वहां से ज्यादा सीटें होंगी, मतलब अगर यहाँ की पॉपुलेशन बढ़ती है तो यहाँ की लोकसभा सीटें भी। तो हमको ये जरूर देखने को मिलता है कि जिस राज्य की जनसंख्या ज्यादा होगी वहां की सीट भी ज्यादा होगी। क्यों? जैसे यूपी, तो यूपी की लोकसभा सीट तो है ना 80 सीटें लगभग। हेलो, दिल्ली में कितनी है? 7 ही है ना, दिल्ली में 7 ही सीट है। अब अपने जो है वो बड़ा भी है राज्य, इस वजह से चीजें देखने को मिलती हैं। लेकिन ये ध्यान रखना है कि यह प्रोपोर्शन उन राज्यों में लागू नहीं है जहां पर पॉपुलेशन 60 लाख से कम है। जिन राज्यों में 60 लाख से कम है ना उसको एक ही सीट अलॉट है, मतलब कोई अगर ऐसा राज्य है जिसकी जनसंख्या बहुत कम है, 60 लाख से कम है, तो पॉपुलेशन नहीं देखा जाता, उनको एक सीट अलॉट हो जाती है। जैसे सिक्किम, तो सिक्किम में एक ही लोकसभा सीट है, तो जिनकी 60 लाख से कम होती है वो एक ही उनको सीट दे दिया गया है। इसके ऊपर होता है तब ये फॉर्मूला वगैरह अप्लाई किया जाता है, ठीक है ना। अब इसमें हम बहुत डिटेल में नहीं जाना चाह रहे, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जो पॉपुलेशन है उसके हिसाब से लोकसभा में सीटें बढ़ती हैं। अब एक बात हमें बताओ कि अगर ये पॉपुलेशन के आधार पे ही था तो हर साल जनसंख्या बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही है? हम इस फॉर्मूले को देखें तो ये फॉर्मूला क्या कहता है कि नंबर ऑफ लोकसभा सीट जो है वो स्टेट की पॉपुलेशन पर है, तो पॉपुलेशन तो हर साल बढ़ रही है, तो फिर हर साल लोकसभा की सीटें बढ़नी चाहिए थी, ये फिक्स ही क्यों रही भाई? अगर ये डायरेक्ट फॉर्मूला था स्टेट एंड यूटी पॉपुलेशन, तो लोकसभा सीट हर साल बढ़नी थी, बट ये नहीं हुआ। इसी चीज से बचने के लिए संविधान में प्रावधान किया गया, उन लोगों ने क्या बोला कि पॉपुलेशन हम फिक्स कर देंगे, किसी एक साल का ही लेंगे, हर साल का नहीं। देखो इस फॉर्मूले में जो पॉपुलेशन है वो 1971 का लिया गया है, तो पहले क्या किया गया कि एक अमेंडमेंट हुआ 42वां 42nd। दिल्ली बड़ा कहाँ है, 2 करोड़ की तो जनसंख्या है, तुम्हारा यूपी 23 करोड़ की जनसंख्या से ऊपर है, कैसी बातें करते हो तुम लोग भाई। पता नहीं कहाँ से ज्ञान लेके आते हो तुम लोग, दिल्ली भी तो बड़ा है, अरे जनसंख्या भी तो देखनी है कि किसकी कहां पर है। तो इसमें अगर हम लोग देखते हैं तो क्या हुआ कि अब ये इसी चीज से बचने के लिए, क्योंकि हर साल जनसंख्या बढ़नी थी तब तो लोकसभा की सीटें चेंज हो जाती, पता चला यूपी की जनसंख्या 1971 में कुछ और थी, 2000 यहाँ आते मान लो 15 करोड़ थी उस समय, और अब आपकी हो गई कितनी, 23 करोड़ से ऊपर। तो अगर पॉपुलेशन बढ़ रही थी तो सीट भी बढ़ गई होती, तो 80 सीटें जो लोकसभा की, तो वो तो 100 के पार निकल गई होती यूपी की लोकसभा की। इससे बचने के लिए क्या किया गया, इस जनसंख्या को फिक्स कर दिया गया कि हम कुछ सालों के लिए फिक्स कर देंगे, हर साल का नहीं लेंगे। तो वो कौन सा सेंसस फिक्स है, 1971 का फिक्स है। 1971 का जो सेंसस हुआ था, जनगणना हुआ था, उसके आधार पर सीटें फिक्स कर दी गई,
और कब तक फिक्स रही, 2000 तक, कि सन 2000 तक हम कोई भी जनसंख्या का आधार नहीं लेंगे, ये 71 वाला माना जाएगा, इसलिए सीटों में चेंज नहीं हुआ। और 42वें अमेंडमेंट में ये बात की गई। फिर आगे 2000 में जब ये खत्म हो रहा था कि अब कौन से साल का लें, तो इन्होंने कर दिया 84वां अमेंडमेंट 2002 में, 84th अमेंडमेंट हो गया। इन्होंने कहा अब हम ये 2026 तक वही आधार रहेगा 1971 का, मतलब 2026 तक इन सीटों में कोई बदलाव नहीं होगा। 2026 तक लोकसभा में 550 सीट हैं तो वही रहेंगे। अब अगर कोई चेंज होगा तो वो 2026 में देखने को मिलेगा। अगर ये कोई संशोधन नहीं करते तो देखा जाएगा कि फिर क्या सीट ऊपर नीचे होती है या नहीं होती। 2026 तक आपका 550 सीट ही रहेगा लोकसभा में, ठीक है। तब तक हो सकता है कि आप लोग सब लोग हम लोग रहें और उस समय हम लोग देखें कि शायद लोकसभा में कोई सीट चेंज होती है या नहीं होती है, ठीक है ना। तो 2026 तक तो ये चेंज नहीं होगा, तब तक हम लोग एग्जाम निकाल करके सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तब तक हमारी सीट यही रहनी है 550। ओके, अब कोई ये तो नहीं कहेगा कि नहीं सर हम 2026 तक इंतजार करेंगे, सीट चेंज हो फिर उसके बाद हम निकालेंगे, ठीक है। तो अब ऐसा नहीं है। तो इस तरह से ये चीजें थोड़ी सी इस बेस पर रखी गई हैं। चलिए आगे देखते हैं इसमें। तो आई होप कि आपको थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि ये लोकसभा की सीटें ऊपर नीचे क्यों नहीं हो रही। क्योंकि वो लोकसभा की सीटें जो है वो ऊपर नीचे इसलिए नहीं हो रही क्योंकि जनसंख्या जो है वो 1971 का फिक्स मान के चला जा रहा है। चलिए, किसी भी स्टेट में जितनी परसेंट पॉपुलेशन एससी एसटी की है उतने परसेंट सीट एससी एसटी के एलोकेट होती है। देखिए, आपने देखा होगा कि बहुत सारी ऐसी सीटें होती हैं राज्य में जो एससी एसटी के लिए होती है, वहां पर कोई और प्रत्याशी खड़ा नहीं हो सकता, ये तो हर कोई जानता होगा। ये तो कई जगह होता है कि कुछ सीटें फिक्स होती हैं वो उस पर वही होंगे। तो अब सबसे बड़ी बात है कि सीटें कैसे फिक्स की जाती हैं। तो जितनी सीटें होती हैं, जैसे एक एग्जांपल हमने दिया था, ध्यान रखिएगा, पेज कटा हुआ आ रहा है, अब तो आ रहा है। देखो ये जो एग्जांपल दिया है वो देखना है, बस एक जानकारी के लिए कि कैसे होता है वो जरा समझना। मान लो कि आंध्र प्रदेश की लोकसभा सीट 25 है, मतलब आंध्र प्रदेश राज्य में 25 सीटें हैं लोकसभा की, कितनी है 25 सीटें। और अब हमें यह तय करना है कि इस 25 सीटों में एससी एसटी को कितनी सीटें मिलेंगी। तो 25 सीटें जो लोकसभा की आंध्र प्रदेश में है, अब हम काउंट करेंगे कि एससी एसटी की पॉपुलेशन कितनी है वहां पर। तो हम मान के चल रहे हैं कि एससी एसटी की पॉपुलेशन जो आंध्र प्रदेश में वो 16% है, मतलब पूरी जनसंख्या का, जितनी जनसंख्या है वहां आंध्र प्रदेश में टोटल, उसमें से 16% किसकी है, एससी एसटी की है। और लोकसभा की सीट कितनी है, 25 है। तो हम क्या करेंगे कि एससी एसटी को कितनी सीटें एलोकेट होंगी, तो जो 25 सीटें हैं उसका 16% निकाल लीजिए, जितनी जनसंख्या एससी एसटी की थी। तो 25 का 16% कितना हुआ, 4 सीट, यानी कि टोटल जो 25 सीट है उसमें से 4 सीट जो है वो एससी एसटी की होंगी। मतलब बहुत सिंपल सा है कि हमें ये जो टोटल सीट एलोकेट होती है उस राज्य में, कि चलिए आपको 25 सीटें लोकसभा की दे दी गई, ठीक है ना। अब जैसे सपोज करो कि यूपी है, अब यूपी में 80 सीटें हैं, ठीक है, और मान लो कि यहाँ पर भी करीब 16% है, कितने परसेंट है, 16%। तो 16% आप निकालोगे 80 का, अब ये तो भाग नहीं जाएगा, ठीक है, लगभग अप्रोक्सीमेट निकाल लो, तो उतनी सीटें लगभग लगभग आपकी यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो इसका मतलब ये है कि जो टोटल लोकसभा की सीटें होती हैं उसका परसेंट निकाल लीजिए जितनी जनसंख्या एससी एसटी की है। जैसे हमने एग्जांपल दिया, आंध्र प्रदेश का 25 सीटें एलोकेट थी, 16% वहां जनसंख्या थी एससी एसटी की, तो आपको कितनी सीटें मिल गई, 4 सीटें। अब इन 4 सीटों पे वही प्रतिनिधि उठेंगे, कोई और नहीं जाएगा, बाकी जो 21 सीटें हैं उस पर जो भी होगा वो खड़ा होगा, लेकिन वो 4 सीटें रिजर्व हो जाएंगी उनके लिए, उस पर वही प्रत्याशी खड़े हो सकते हैं। तो ये प्रावधान भी किया गया लोकसभा के उसमें। आई होप ये चीजें क्लियर हो गई आपको, ठीक है ना, इसमें ज्यादा कोई दिक्कत की बात नहीं, जितनी टोटल सीटें, तो ये भी हमने समझ लिया। अच्छा, अब जरा आर्टिकल की एक एक करके बात कर लेते हैं। देखिए, अभी तक हम कितने आर्टिकल की बात की स्टूडेंट्स, हमने आर्टिकल बात किया 79, 80, 81। 79 में संसद की बात हुई है, 80 में राज्यसभा की बात हुई है, और 81 में लोकसभा की बात हुई है। आगे आते हैं अगला जो आर्टिकल हमारे पास है, आर्टिकल 82, क्या कहता है, प्रत्येक जनगणना के बाद सीटों का पुनः समायोजन वर्तमान सीटों की संख्या 1971 की जनगणना पर आधारित है।
यही आर्टिकल हमें ये बताता है कि जो लोकसभा और राज्यसभा में जो सीटें तय होनी है वो कैसे होनी है। तो आर्टिकल 82 के तहत ये करना है, लेकिन क्योंकि अब हम फिक्स कर चुके हैं 2026 तक, तो 2026 तक हम वो सारी सीटें 1971 के हिसाब से ले रहे हैं। हाँ, 2026 के बाद देखेंगे तो इस आर्टिकल का प्रयोग करके हम लोग देखेंगे कि संख्या ऊपर हो रही है या कम हो रही है। तो आर्टिकल 82 का ही प्रयोग करके हम वो सीटें ऊपर नीचे करते हैं, ठीक है ना, कि प्रत्येक जनगणना के बाद सीटों का पुनः समायोजन, लेकिन अभी ये फिक्स चल रहा है। अनुच्छेद 83 क्या बताता है? अनुच्छेद 83 बताता है संसद के दोनों सदनों की अवधि, दोनों सदनों की अवधि का मतलब कार्यकाल के बारे में है। राज्यसभा का कार्यकाल कितना होगा, लोकसभा का कितना होगा? तो लोकसभा का कितना है आपका 5 वर्ष और राज्यसभा का कितना है 6 वर्ष। तो ये जो कार्यकाल है या टाइम पीरियड या टेन्योर है वो आर्टिकल 83 में है, क्लियर। 82 में है कि प्रत्येक जनगणना के बाद ये देखा जाएगा कि जो सीटों का आवंटन है वो किस तरह से समायोजन किया जाए, ऊपर नीचे घटाया जाए या बढ़ाया जाए, वो आर्टिकल 82 कहता है। 83 क्या कहता है? दोनों सदनों के टेन्योर को बताता है, टाइम पीरियड को, मतलब राज्यसभा में कितनी सीटें, सॉरी राज्यसभा का कार्यकाल कितना और लोकसभा का कार्यकाल कितना। एक सीट से मोर कैंडिडेट खड़े हो सकते हैं, ये क्या बात हुई? तुम एकदम में बेवकूफ हो क्या? मतलब चुनाव के बारे में कुछ पता ही नहीं कि क्या चुनाव चलता है? एक सीट पे एक आदमी खड़ा होता है तो फिर तो निर्विरोध नहीं जीत जाएगा वो। अगर एक सीट पे एक आदमी खड़ा होगा तो निर्विरोध नहीं जीत जाएगा। ये तुम लोग का दिमाग कहाँ, पैदल घुटनों में है क्या कि एकदम बिल्कुल खत्म हो? तो इसके बाद अगर हम लोग देखें तो संसद के जो अवधि है वो आपका राज्यसभा हो गया। अरे यार कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग, अब कह रहे हो कि एक पार्टी से एक से ज्यादा खड़े हो सकते हैं। भाई एक पार्टी से एक से ज्यादा क्यों खड़ा होने देगा, क्यों वोट कटवाएगा अपने में? खड़ा क्यों नहीं हो सकता है? खड़ा बिल्कुल हो सकता है, लेकिन कोई भी पार्टी ऐसा क्यों करेगी? अगर एक ही पार्टी के चार लोग खड़े हो जाएंगे तो वोट नहीं कट जाएंगे उनके? तो एक पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, एक पार्टी से तो ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो खड़ा होगा या नहीं होगा, बिल्कुल खड़े हो सकते हैं, लेकिन कोई अगर सेम पार्टी का है तो क्यों खड़ा होने देगा? भाई पेज नहीं दिख रहा, क्या हो रहा है भाई? अब दिखा? अब दिख गया। तो आर्टिकल 83 हो गया आपका। आर्टिकल 84 क्या कहता है? संसद के सदस्य के लिए योग्यता, मतलब संसद का सदस्य बनने के लिए योग्यता क्या है, राज्यसभा और लोकसभा। क्या योग्यता है लोकसभा का सदस्य बनने के लिए? क्या है? 25 वर्ष। राज्यसभा का 30 वर्ष। इसके अलावा वो सारी चीजें तो नॉर्मल है, सबको पता है ना, भारत का नागरिक होना चाहिए, ऑब्वियस बात है, ठीक है, पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए, है ना, एक नॉर्मल सा है, तो हर अब ये लिखने की जरूरत नहीं है, इतना तो आप समझ ही गए सब लोग। और अगला उसमें रहता है कि किसी लाभ के पद पर ना हो, ये सब नॉर्मल है, वो जो चल रहे हैं वो सब तो फॉलो करना ही पड़ेगा। बट ईयर वाला जो है वो ध्यान रखना है आपको, कि राज्यसभा का जो है वो 30 साल है और लोकसभा का जो है वो 25 साल है, ठीक है। चलिए अनुच्छेद 85 क्या कहता है? सत्र को बुलाना, मतलब संसद के जो सत्र चलते हैं, तीन चलते हैं ना साल में, संसद के तीन सत्र चलते हैं, एक बजट सेशन चलता है, एक मानसून चलता है और एक विंटर सेशन चलता है। तो ये जो तीनों सत्र हैं इसको बुलाने को आहूत कहा जाता है, मतलब सेशन को स्टार्ट करना। तो सेशन की शुरुआत जो होती है उसको आहूत कहते हैं, और अगर खत्म करना होता है तो उसे सत्रावसान कहते हैं, मतलब सत्र खत्म हो रहा है तो उसे सत्रावसान कहा जाता है। तो सत्र को बुलाना और उसको खत्म करना, ये जो बातें हैं वो आपके 85 में है। अच्छा, बुलाने का काम कौन करता है? प्रेसिडेंट करते हैं। जैसे मान लो कोई सत्र शुरू होने वाला होता है तो उससे पहले जो मेंबर होते हैं उन सभी को जो मैसेज भेजने का काम है वो प्रेसिडेंट के नाम पर किया जाता है,
कार्रवाई प्रेसिडेंट शुरू करेंगे, तो सभी मेंबर को जो होते हैं उनको भेजा जाता है। क्यों, पता कैसे चलेगा कि संसद इस डेट से शुरू होने वाली है? तो जब भी कोई सत्र शुरू होने वाला होता है तो राष्ट्रपति के नाम से वो सभी को मैसेज कर दिया जाता है मेंबर को कि आप लोग आज यहाँ इस दिन आ जाइएगा, यहाँ से सत्र शुरू हो रहा है। तो ये जो आहूत है बुलाने का काम, सत्रावसान और जो बाकी चीजें हैं, डिजॉल्व जो करना होता है, लोकसभा भंग हो गई या नहीं, ये सारी बातें जो है वो 85 में है कि बुलाने वगैरह काम। थोड़ा सा इसमें देख लो, तीन सेशन जो होते हैं साल में, एक होता है बजट सेशन। तो बजट सेशन जो होता है वो फरवरी से मई में होता है, जो बजट सेशन है, क्लियर है। जो मानसून सेशन है वो जुलाई से सितंबर में होता है, और एक तीसरा होता है विंटर सेशन, नवंबर से दिसंबर। कितने सेशन? तीन। पहला बजट सेशन, सबसे लंबा सेशन होता है, काफी टाइम चलता है, फरवरी से मई तक। मानसून सेशन जुलाई से सितंबर, और विंटर सेशन नवंबर से दिसंबर। ठीक है, सबसे छोटा जहां तक हमें लग रहा है विंटर सेशन ही है आपका। और एक और चीज ये होता है कि जो आपका नवंबर दिसंबर, ये कोई डेट फिक्स नहीं है। जैसे आप देखो कि ये कोई फिक्स नहीं है कि 14 नवंबर से ही शुरू होगा, जैसे इस बार का देखो 29 दिसंबर से चालू हुआ था, है ना। तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि वो फिक्स डेट है 15 तारीख को ही स्टार्ट हो जाएगा या 20 को ही, मतलब जब भी होगा नवंबर में, जब भी वो स्टार्ट होगा तो राष्ट्रपति के नाम से वो संदेश सबको चला जाएगा कि भैया सत्र शुरू होने वाला है, आप लोग मतलब अब सेशन को शुरू मतलब अटेंड करिए। तो ये होता है। तो तीन आपके सत्र होते हैं जो अनुच्छेद 85 आपको बताता है। तो 85 के तहत हम लोगों ने देखा बजट सेशन, मानसून और विंटर। पार्लियामेंट के सदस्यों को बुलाने का काम, समन करने का काम किसका? प्रेसिडेंट का। वही हमने बताया कि उन्हीं के नाम पे होता है, ठीक है ना। और पार्लियामेंट को जो एंड करना होता है वो भी प्रेसिडेंट करते हैं, दोनों काम वही देखते हैं, क्लियर है। एक और चीज है कि सपोज कोई बहुत अर्जेंट कोई काम पड़ गया और सेशन नहीं चल रहा, जैसे बजट सेशन है खत्म हो चुका है, फिर आपका मानसून भी, और बीच में मतलब कोई अर्जेंट काम आ गया और वो सेशन हमारा उस समय नहीं चलता क्योंकि तीसरा सेशन हमारा विंटर में चालू हो सकता है, तो अगर राष्ट्रपति चाहे तो वो विशेष सत्र बुला सकते हैं। मतलब अगर कोई ऐसा है, जैसे सपोज करो आपातकाल वाला बताए थे, नेशनल इमरजेंसी वाला, कि बहुत सारे जो लोकसभा के सदस्य हैं, जो 1/10, वो चाहते हैं कि नेशनल इमरजेंसी खत्म हो जाए जो लगी हुई है, और इसके लिए 1/10 सदस्य अपना मतलब नोटिस भेजेंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है राष्ट्रपति से कहेंगे कि मतलब कोई विशेष सेशन बुलाइए जिससे हम लोग ये कह सकें कि ये नेशनल इमरजेंसी खत्म हो जाए। तो इस दौरान अगर सेशन नहीं भी चल रहा है इन तीनों में से, मान लो बीच में कोई बात हो रही है, तो राष्ट्रपति को पावर है, वो स्पेशल सेशन बुला सकते हैं, तो उसी को विशेष सत्र कहा जाता है। तो विशेष सत्र का मतलब होता है जब तीनों सेशन में से कोई सेशन ना चल रहा हो और हमें कोई अर्जेंट काम पे सुनवाई करनी हो, तो राष्ट्रपति ऐसा कर सकते हैं। दूसरा, संसद के किन्हीं भी दो सत्रों के बीच 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। मतलब ये सिंपल सा पॉइंट है कि अगर पहला सेशन आपका देखो फरवरी में हो रहा है, ठीक है ना, तो फरवरी आपका है दूसरा मंथ, और जुलाई में अगर ये शुरू हो रहा है तो ये है कितना, 7वां मंथ। अब इन दोनों के बीच का अगर हम गैप देखें तो कितना है, 5 महीने का, यही ये मतलब है। इसका मतलब ये है कि ये कहना चाह रहे हैं कि अगर एक बैठक आपने पहला सत्र अगर फरवरी में बुलाया है तो अब ये ना करें कि अगला बैठक आप नवंबर में जाके बुलाएं। वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर फरवरी में कोई बैठक हुई है या सेशन हुआ है तो 6 महीने के अंदर दूसरा बैठक भी हो जाए, मतलब 6 महीने से ज्यादा ना हो कि 7 महीने लग जाए या 8 महीने के बाद कर रहे हैं, ये मीनिंग है इसका। तो दो सत्रों के बीच 6 महीने से ज्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए। राजरानी सो जाओ, ठीक है, आराम कर लो। एक तो तुम वीडियो भी ओपन कर लेते हो, ये नहीं कि वीडियो भी बंद कर ले, ठीक है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है रिकमेंडेशन पर राष्ट्रपति स्पेशल सेशन बुला सकते हैं, ठीक है, और किन्हीं भी दो सत्रों के बीच 6 महीने से अधिक अंतराल नहीं होना चाहिए। चलिए देखते हैं इसका थोड़ा सा प्रोसेस है। प्रेसिडेंट जो है वो बुलाते हैं, समन मतलब मेंबर, फर्स्ट सिटिंग मतलब बैठक होती है वही जब बुलाते हैं तो शुरू हो जाता है, पूरे समय तक सेशन चलता है, और जब इसको खत्म करना होता है सेशन को तो खत्म करने का भी काम कौन करते हैं, प्रेसिडेंट। मतलब जैसे देखो फरवरी में शुरू हुआ, मई में खत्म होना है, बुलाने का भी काम कौन किए,
प्रेसिडेंट, मई में जब एंड हो रहा होगा उसी को सत्रावसान कहते हैं, आहुत कहते हैं बुलाने को, तो जब बुलाया गया होगा और फरवरी में वो चीज शुरू हुई होगी तो उसे आहुत कहते हैं, और जब मई में खत्म हो रहा होगा तो उसे सत्रावसान कहते हैं। मतलब बुलाने का काम भी प्रेसिडेंट की तरफ से होता है और एंड करने का भी काम प्रेसिडेंट की तरफ से ही होता है, तो दोनों काम उन्हीं की तरफ से देखा जाता है, ठीक है। और इससे ज्यादा इसमें जाने की जरूरत आपको नहीं, बाकी एक पॉइंट्स है वो आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वो एक टर्म होता है, साइन डाई बोलते हैं उसको, ठीक है ना, एडजर्नमेंट जब वो खत्म करना होता है तो ये शब्द यूज किया जाता है। सेक्रेटरी जनरल करते हैं जो उस सदन के होते हैं, तो सेक्रेटरी जनरल बोलते हैं कि अर्जन साइन डाई, मतलब हम खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी बातचीत खत्म हो गई है, तब राष्ट्रपति फिर उसको एंड ऑफ सेशन कर देते हैं, प्रोरोगेशन एक जारी करते हैं और उसके तहत वो सेशन समाप्त हो जाता है। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि फरवरी में वो जैसे बुलाया गया है तो बुलाने का काम भी प्रेसिडेंट करते हैं और खत्म करने का भी काम वही करते हैं, दोनों चीजें, ठीक है। सेशन की इज द मीटिंग, अच्छा ये थोड़ा ध्यान देना, ये थोड़ा सा आपके लिए जरूरी है जानने के लिए, आपके नॉलेज के लिए भी। देखो जब किसी दिन की बैठक होती है तो क्या होता है, जैसे मान लो सेशन चला, लोकसभा में बैठक हुई और वो जो दिन भर हंगामा चल रहा होता है तो असल में क्या होता है, कैसे बांटा गया उसको, वो दो टाइम में बांटा जाता है। एक टाइम जो बांटा जाता है वो फर्स्ट सिटिंग होती है 11 बजे से 1 बजे की, तो एक सिटिंग होती है 11 से 1 बजे की। दूसरी सिटिंग जो होती है वो आपकी होती है फिर 2 बजे से 6 बजे तक की, ठीक है। तो ये जो दिन भर की कार्रवाई चलती है, जैसे एक दिन की बैठक बता रहे हैं कि सेशन शुरू हुआ है और एक दिन का ये पार्लियामेंट में चल रहा है प्रोसेस, तो हम लोग पूरे दिन का तो देखते नहीं है क्योंकि हम लोग का 1 घंटे का ही दिखाया जाता है मेन, क्योंकि बाकी उन लोग का अपना काम होता है पूरे दिन भर का। तो दो तरह से इसको बांटा जाता है पर डे, एक पहला जो बांटा जाता है वो 11 से लेकर के आपके 1 बजे के बीच का बांटा जाता है, ये टाइम इसको भी 2 घंटे में बांटा जाता है, 11 से 12 और 12 से 1। तो 11 से 12 जो होता है, ये जो 11 से 12 होता है उसे क्वेश्चन आवर कहते हैं, जो 1 घंटे का समय होता है वो क्वेश्चन आवर होता है, और 12 से 1 जो होता है उसे 0 आवर कहते हैं, शून्यकाल। तो 2 शब्द होते हैं, तो इसको बोलते हैं प्रश्नकाल, जैसे आप समझोगे ना तो इसे प्रश्नकाल कहा जाता है, और इसे जो बोलते हैं तो उसे शून्यकाल कहते हैं। मतलब समझिए हमारी बात, दो तरह से चलती है पूरे दिन की कार्रवाई, 11 से 1 जो 2 घंटे का समय है उसका 1 घंटे जो है वो पहला जो घंटा होता है वो क्वेश्चन आवर होता है प्रश्नकाल, और जो उसी का 12 से 1 होता है वो शून्यकाल होता है। अभी हम बताते हैं क्या होता है उसमें, उस 1 घंटे में। फिर उसके बाद बाकी चीजें होती हैं, बाकी जितने भी बिल वगैरह पास करने होते हैं वो सब बाद में होते हैं, फिर वो पूरे दिन की कार्रवाई में होते हैं। फिर ये 2 PM से 6 PM होता है वो बिजनेस ऑफ हाउस, मतलब वो अपना काम करते हैं फिर कि इस बिल को पास करना, उसको बिल को पास करना, वो चीजें। तो आपको आई होप कि पहली चीज तो क्लियर हो गई कि संसद में जब ये लोग जाते हैं तो दिन की कार्रवाई कैसे होती है, 11 बजे से 12 बजे क्वेश्चन आवर होता है, 12 से 1 शून्यकाल होता है 0 आवर, फिर 2 बजे से पूरा 6 बजे तक एक बिजनेस आवर चलता है जिसमें से कि वो लोग अपना डिस्कशन करते हैं जो भी करना होता है उन्हें, ठीक है। देखिए यहाँ पे कुछ लिख दिया है जिससे अगर आप कभी पढ़ो तो चीजें थोड़ा क्लियर रहे। प्राइवेट सदस्य के क्वेश्चन का आंसर दिया जाता है जो 11 से 12 होता है, इस समय जो क्वेश्चन पूछे गए होते हैं उसका आंसर होता है। प्राइवेट सदस्य कौन होता है पहले ये समझ लो, जो जैसे लोकसभा है तो लोकसभा में जो टोटल मेंबर बैठे हुए हैं कोई भी, अरे धैर्य रखो, बता रहे हैं वही डिफाइन कर रहे हैं ना राफिया, बता रहे हैं बहुत सिंपल सा समझो जरा, कि जैसे क्वेश्चन आवर है प्राइवेट मेंबर समझा रहे हैं पहले वो कौन है। प्राइवेट मेंबर जैसे मान लो कि 543 लोग बैठे हैं लोकसभा में, इस 543 लोगों में विपक्ष और सत्ता पक्ष सब बैठे हैं, सारे मेंबर की बात हो रही है, इनमें से मंत्री तो कुछ ही होंगे ना भाई, जो लोकसभा में 543 बैठे हैं क्या सभी मंत्री हैं, हेलो क्या सभी मंत्री हैं, कुछ तो बता दो, हाँ ना कर तो दिया करो खत्म। हाथ ठंडे हो गए सबके हैं भैया, तुम अभी जेई बन जाओ, एमपी बाद में बन जाना, एमपी कैसे बना जाता है, हैं तुम लोग पता नहीं कहाँ पहुंच जाते हैं सब, अब सीधे एमपी बनना है इसको, एमपी के लिए पैसे
पहले झूठ बोलना सीखो, अपराध करना सीखो। कहना तो हमें ये नहीं चाहिए वैसे, लेकिन अब जो सिनेरियो है उसके हिसाब से है, क्या बोले अब हम। अच्छा अब इसकी बात प्राइवेट में चल रहे थे, इसमें से कुछ मंत्री होते हैं जो लोकसभा में बैठे हैं 543। अब हमारी बात बिल्कुल क्लियर समझो, जो मंत्री हैं एक्चुअल में, जो मंत्री हैं मिनिस्टर हैं, उनको छोड़कर, मिनिस्टर्स को छोड़कर बाकी जितने लोग हैं वो सब प्राइवेट मेंबर कहे जाते हैं। उस लोकसभा में जो 543 है, सपोज करो कि उसमें से 70 लोग मंत्री हैं, 70 मिनिस्टर बन चुके हैं, लेकिन बाकी लोग मिनिस्टर नहीं है, तो जो बाकी बचे हैं वो एक प्राइवेट मेंबर बोले जाते हैं, बाकी तो मिनिस्टर है ही है उसमें। तो ये ऐसे होता है। तो क्या होता है कि इस समय क्वेश्चन आवर में प्राइवेट सदस्य के क्वेश्चन का आंसर दिया जाता है, मतलब कहीं ना कहीं इन प्राइवेट मेंबर्स ने, जो बाकी बचे हुए होंगे, क्योंकि मंत्रियों से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब भाई शिक्षा मंत्री है तो शिक्षा मंत्री से तो शिक्षा पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो उसमें जो बैठे होते हैं एमपी, वो अपना कोई क्वेश्चन रहता है, वो कहते हैं कि भैया हमें इन मंत्री से जानना है, तो फिर वो जो पहला आवर चलता है 11 से 12, तो उसी में वो शिक्षा मंत्री खड़े हो जाएंगे, वही हमें टीवी पे दिखाया जाता है, तो वो खड़े हो जाएंगे, वो जवाब देंगे, हाँ देखिए देखिए हम इतना अच्छा काम कर रहे हैं, आप पता नहीं क्या कर रहे हैं, इस तरह का सब बहस चालू हो जाती है। तो वो असल में 11 से 12 वाला टाइम दिखाया जाता है आपको, जो पहला क्वेश्चन आवर होता है, तो वही दिखाया जाता है जिसपे वो जवाब दे रहे होते हैं। तो इसी समय वो जो मेंबर है वो क्वेश्चन पूछते हैं, तो उसी का आंसर दिया जाता है 11 से 12 में, ठीक है। दूसरे वाले में क्या होता है, 0 आवर, इस समय मेंबर किसी भी इशू को रेज कर सकते हैं विदाउट एनी प्रायर नोटिस। अब सपोज करो कि 11 से 12 में तो हम उसका आंसर देंगे जो हमसे क्वेश्चन पूछे गए होंगे, और ध्यान रखिएगा इन क्वेश्चन को पूछने से पहले एक नोटिस देनी होती है, एट द टाइम नहीं पूछा जाता, ये कभी गलत फहमी मत रही है कि वो सीधे उसी समय पूछ रहे हैं, नहीं, नोटिस होती है, जिस भी मंत्री से आपको क्वेश्चन पूछना होता है पहले नोटिस देनी होती है, उनको वो क्वेश्चन बताने होते हैं कि किस तरह से चीजें चलेंगी, किस मुद्दे पे आपसे हम क्वेश्चन पूछेंगे, सब पूरा प्रायर होता है सभापति के थ्रू, ये पूरी प्रोसेस होती है, जो सचिव बैठते हैं वहां पर, तो एक नोटिस देनी पड़ती है। लेकिन जो 12 से 1 है ये वो समय दिया गया है जिसमें आप बिना नोटिस दिए क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मान लो कोई अर्जेंट मैटर हो गया और आपको उसमें डिस्कशन करना है, तो इस समय क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। देखो 11 से 12 वाले में क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, 11 से 12 वाले में आंसर देते हैं जो क्वेश्चन पूछे गए होते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन पहले के होते हैं, मतलब ये पहले नोटिस देकर बताया गया होगा तभी ये होता है, उनको समय दिया जाता है तैयार करने के लिए कि आप इस मुद्दे पे अपना पूरा पक्ष रखिए, एक पूरा मुद्दा रखा जाता है, ये एट द रैंडम नहीं होता है कभी भी। 12 से 1 वो समय होता है 0 आवर जिसमें ये कहा जा सकता है कि कोई भी अगर इशू क्रिएट हो गया है और ये पहले नहीं बताया जा पा रहा है, पहले वो क्वेश्चन नहीं पूछा गया है जिसका जवाब 11 से 12 में नहीं दिया गया है, तो ये समय दिया जाता है जिसमें वो रेज कर सकते हैं, लेकिन ये कुछ अर्जेंट मैटर होता है तभी उसी मामले को उठाया जाता है, ठीक है ना। तो इस समय आपको नोटिस देने की जरूरत नहीं होती, इसलिए दोनों समय रखे गए हैं। 11 से 12 वो रखा गया है जिसमें क्वेश्चन के आंसर दिए जाते हैं जो मंत्रियों से पूछे गए थे, 12 से 1 में कोई क्वेश्चन रेज कर सकते हैं आप जो अर्जेंट होता है, जिसके लिए नोटिस की जरूरत नहीं होती, तो इसलिए दोनों समय दिए गए हैं। बाकी जो ये समय होता है जो 2 से 6, इसमें बिल पेश होते हैं, जो बिल आप देखते हैं कि कानून बिल लाया गया है, जो भी, मतलब कोई भी बिल, कानून बिल क्या कह रहे हैं, कृषि वाले हैं या जब समथिंग, तो सारे बिल वगैरह जो होते हैं वो इसी टाइम में पेश किए जाते हैं, तो ये 2 से 6 बजे का जो टाइम होता है इस समय इनका पूरा काम होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये चीजें चलती हैं, ये कार्रवाई चलती है संसद की। चलिए प्राइवेट मेंबर हमने समझाया था आपको, प्राइवेट मेंबर बताया ना हमने जो किसी में मिनिस्टर के पद पर नहीं है, मतलब संसद में वो व्यक्ति जो कोई मिनिस्टर के पद पर नहीं है, तो वो प्राइवेट मेंबर कहे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन जो रेज होते हैं वो प्राइवेट मेंबर के द्वारा होते हैं, ये सबमिट करते हैं क्वेश्चन, 15 दिन की नोटिस देनी होती है, अगर इन्हें किसी मिनिस्टर से क्वेश्चन पूछना है तो 15 दिन पहले उन्हें वो नोटिस देनी होगी कि हमें इस मिनिस्टर से ये क्वेश्चन पूछना है, इनको ये बताना होगा वो क्वेश्चन, ये भी मेंशन करना होता है किस मिनिस्टर से क्वेश्चन पूछना है, किस टॉपिक पे पूछना है, किस मिनिस्टर से पूछना है, ये सब उस क्वेश्चन जो वो भेजने वाले हैं उस पर मेंशन होगा, उसके टाइटल पर कि हम इन मिनिस्टर से क्वेश्चन करना चाहते हैं, और ये आपको 15 दिन पहले नोटिस देनी होगी, ठीक है ना। किसके पास जाता है, सचिवालय में जाता है। तो ये जो भी मिनिस्टर, जो भी प्राइवेट मेंबर है जो कि मिनिस्टर नहीं है,
जैसे मान लो विपक्ष का कोई नेता है, वो क्वेश्चन अराइज करना चाहते हैं कि हम ही मंत्री से क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो उनको 15 दिन का नोटिस देना होगा। वो सचिवालय के पास जाएगा, जो संसद सचिवालय है, सेक्रेटरी जो है, और उस पर मेंशन होगा कि किस मंत्री से पूछना चाहते हैं और क्या टॉपिक है उसके रिलेशन में, ठीक है ना। और उसके लिए फिर मिनिस्टर को समय मिलता है वही 15 दिन क्वेश्चन आंसर तैयार करने के लिए, कि आप तैयार कर लीजिए, आपको अपने हर क्वेश्चन का आंसर देना होगा वहां पर। लेकिन ये मंत्री बाध्य नहीं है, ये आंसर दे भी सकता है नहीं भी दे सकता है, ये ध्यान रखिएगा। मंत्री बाध्य नहीं है आपके सारे क्वेश्चन के आंसर देने का, लेकिन हाँ ये जरूर है कि वो देते हैं। क्यों? अगर नहीं देंगे तो ये सरकार की किरकिरी होगी कि मतलब ये कुछ छिपाने वाले हैं, ये कुछ छिपा रहे हैं। तो ऐसा होता नहीं है कभी, लेकिन संविधान के अकॉर्डिंग मतलब बाध्य नहीं है वो कि सारे उस पे आंसर दे, बट लगभग देते हैं वो आंसर, भले घुमा फिरा के दे लेकिन आंसर दिया जाता है, ठीक है ना। तो वो उस तरह से चीजें होती हैं। क्वेश्चन कितने प्रकार के होते हैं वो थोड़ा सा आप बेसिक समझ लो, बस केवल जानकारी के लिए बता दे रहे हैं। क्वेश्चन एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन होता है, स्टार क्वेश्चन कहते हैं। एक होता है अनस्टार क्वेश्चन, एक शॉर्ट नोटिस होता है। चार तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि किस तरह के क्वेश्चन पूछने हैं उन्हें। ये जो स्टार क्वेश्चन होता है वो ग्रीन लिस्ट में आता है, ग्रीन लिस्ट का हरा लिस्ट बोला जाता है इसको, ग्रीन लिस्ट। तो ग्रीन लिस्ट जो होती है उसमें स्टार क्वेश्चन होते हैं, व्हाइट लिस्ट होती है वो अनस्टार क्वेश्चन होते हैं, पिंक लिस्ट में जो होते हैं वो आपके शॉर्ट नोटिस होते हैं, और येलो लिस्ट जो होती है वो क्वेश्चन टू प्राइवेट मेंबर, मतलब मंत्री नहीं किसी प्राइवेट मेंबर से भी पूछ सकते हैं। अभी तक जो मंत्री से पूछ रहे थे वो किसी उससे भी पूछ सकते हैं जो मिनिस्टर नहीं है। तो ये कैटेगरी है, ठीक है। अच्छा, इनके पॉइंट है, देखो आप लोग ज्यादा ये देखते होंगे कि जैसे कोई एक खड़े हो गए, जैसे विपक्ष का नेता कौन है कांग्रेस की तरफ से, अधीर रंजन जी है ना, वो खड़े हो जाते हैं, बार बार चिल्लाते रहते हैं, हाँ ये आप आंसर नहीं दे रहे हैं, ऐसा वैसा। उधर से दूसरे मिनिस्टर जो होते हैं बीजेपी की तरफ से या सरकार की तरफ से, वो कहते भाई हाँ। तो ये जो क्वेश्चन है, जब ये खड़े होकर, जब ये ऐसा कहना होता है कि हम देखो होम मिनिस्टर से क्वेश्चन पूछने वाले हैं, पुलिस व्यवस्था क्यों गड़बड़ हो रही है, और हम चाहते हैं कि ये होम मिनिस्टर जो है खड़े होकर पूरे सदन में आंसर दें, ठीक, ये कोई अलग से लिख कर ना दे, पूरे सदन में बोले, तो ये क्वेश्चन जाएगा स्टार लिस्ट में, इसको स्टार क्वेश्चन कहेंगे। तो स्टार क्वेश्चन में वो क्वेश्चन आते हैं जिसमें ये कोशिश की गई होती है कि जिस मिनिस्टर से क्वेश्चन पूछा गया है वो खड़े होकर पूरे सदन में उसका मतलब आंसर दे, प्राइवेट में ना दे, सबके सामने बोले, इसको कहते हैं स्टार क्वेश्चन, और ये ग्रीन लिस्ट में होगा, ठीक है ना। यही मेन होता है जो आप लोग देखते हैं ज्यादातर। तो जिस पर मिनिस्टर संसद में खड़े होकर सबके सामने उत्तर दे, सबके सामने उत्तर देना होता है। लेकिन स्टार लिस्ट में एक लोग तीन ही क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो स्टार वाली लिस्ट में जो होता है वो तीन क्वेश्चन ही वो कर सकता है उन मिनिस्टर से, और इसका जवाब वो पूरे सदन में खड़े होकर देंगे, इसे कहा जाता है। जब हमें ये चाहिए होता है कि हमें सबके सामने आंसर नहीं चाहिए, हमें रिटेन आंसर चाहिए, तो वो चला जाएगा अनस्टार लिस्ट में, जब आपको पूरे सदन में बोलने के लिए नहीं चाहिए, आप कहते हैं ठीक है आप रिटेन आंसर दे दो, कोई जरूरत नहीं है पूरे सदन में बोलने की, तो वो क्वेश्चन जाएगा अनस्टार लिस्ट में, व्हाइट लिस्ट। तो ऐसा कोई क्वेश्चन जो अनस्टार्ड क्वेश्चन होता है व्हाइट लिस्ट में, तो उसका रिटेन आंसर दिया जाता है, उस पर रिटेन आंसर होते हैं, बोला नहीं जाता उसके लिए कि सदन में बोलें। अच्छा, इन पर बहस नहीं होती, जो रिटेन आंसर होते हैं इन पर बहस नहीं होती, इस पर बहस हो सकती है, जो संसद में खड़े होकर बोला गया है उस पर बहस हो सकती है। इसका मतलब कि जो क्वेश्चन आपके स्टार लिस्ट पे होते हैं उनमें बहस होती है, जो अनस्टार में होते हैं उसमें बहस नहीं होती, क्योंकि वो रिटेन आंसर दे चुके हैं आपको। तो ये कुछ मेन पॉइंट होता है, ठीक है ना। शॉर्ट नोटिस वो होता है जब आपको ऐसा लगता है कि हम मतलब बहुत समय नहीं दे सकते, जैसे 15 दिन का नोटिस नहीं दे सकते या समथिंग, मतलब हमें जल्दी आंसर चाहिए उसका, तो फिर वो शॉर्ट नोटिस पे होता है, इस तरह से चीजें होती है। तो मेन आपके दो ही हैं जो आपको ध्यान, वैसे चार हैं, ध्यान आपको ये रखना है कि स्टार वाला रख लेना या और एक अनस्टार रख लेना। बेटे ये भी SSC लेवल से बाहर ही है, SSC लेवल में आज तक इस तरह का क्वेश्चन नहीं आया है पूरे उसमें, बट आपकी नॉलेज के लिए हमने बता दिया है कि ये जो क्वेश्चन होते हैं जिससे आपको थोड़ी सी समझ बेटर रहे, ठीक है। तो आपको हमने बता दिया कि किस तरह से चीजें चलती हैं, ठीक है। तो 11 से जो एक चलता है सेशन, और जो 2 से 6 वाला सेशन है, तो 11 से 12 जो होता है वो आपका क्वेश्चन आवर होता है, प्रश्नकाल। तो ये जो क्वेश्चन तैयार किए गए हैं इसी का आंसर दिया जाता है 11 से 12 में, और 12 से 1 में अगर कोई अर्जेंट मैटर है तो उस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो उसको 0 आवर कहते हैं या शून्यकाल कहते हैं।
बाकी पूरी जो वर्किंग है, बिल पेश करना या कोई और प्रोसेस वगैरह है, वो 2 से 6 वाले टाइम में आपका होता रहता है बिजनेस आवर में। आई होप कि आपको ये संसद की कार्रवाई का क्लियर हुआ सबको, कैसे चल रहा है, ठीक है ना। अरे येलो लिस्ट में देखो, ये वो लिस्ट है जिसमें मंत्री से क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कोई मिनिस्टर होता है, जैसे कि मान लो हेल्थ मिनिस्टर हैं, शिक्षा मंत्री हैं, इनसे जब पूछा जाता है। प्राइवेट मेंबर का मतलब होता है जो मिनिस्टर नहीं है, वो किसी और से भी पूछ सकते हैं, तो वो जाता है येलो लिस्ट में, जो किसी मिनिस्टर का क्वेश्चन नहीं होता, किसी प्राइवेट मेंबर से पूछना होता है। प्राइवेट मेंबर कौन? जो मंत्री नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ संसद की कार्रवाई ना? इसका मतलब हमने कई सारे आपके आर्टिकल देख लिए। हमने कौन कौन से आर्टिकल देखे? 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 85 तक देख लिया। ओके, क्या सब याद हुआ? रिवाइज कर लेना। आर्टिकल 79 में क्या बात हुई है? संसद। 80 में राज्यसभा, 81 में लोकसभा, 82 जनगणना के बाद सीटें वही रहेंगी, घटेंगी बढ़ेंगी, समायोजन, ठीक है। 83 दोनों की अवधि, राज्यसभा का कार्यकाल और लोकसभा का कार्यकाल, किसमें? 83 में। 84 में क्या बात हो रही है? योग्यता, राज्यसभा के लिए कितना, लोकसभा के लिए कितना, ठीक। 85 संसद के सत्र को बुलाना, संसद के सत्र को बुलाना, क्लियर हुआ, ठीक है। चलिए जल्दी से बताइए कि जो दोनों के कार्यकाल है वो कौन से अनुच्छेद में है? राज्यसभा लोकसभा कार्यकाल कौन से अनुच्छेद में? वंदना, पिंकी, अनुज, पूजा, रजनी, आशा, अभिषेक, संदीप, वेरी गुड। योग्यता, सदस्य बनने की योग्यता दोनों सदनों में किस आर्टिकल में? 84 संसद के दोनों सदनों के सत्र को बुलाना, खत्म करना, ये सब किसमें है? 85 ठीक है। लोकसभा की संरचना के बारे में कौन से आर्टिकल में बात हुई है? ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही रखते हैं, आगे कल हम लोग इसको करेंगे। तो हमने बेसिक पॉइंट्स देख लिया संसद के बारे में, आपको थोड़ा आइडिया मिल गया कि लोकसभा राज्यसभा सीटें हैं और किस तरह से उनका चल रहा है। आगे हम देखेंगे बिल वगैरह के बारे में, कि वो जो बिल पेश होते हैं वो किस तरह से होते हैं, आपके ऑर्डिनरी बिल और मनी बिल, और इनके बारे में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। आज का काम यहीं खत्म करते हैं, आप लोग जाइए भोजन वोजन करिए सभी, ठीक है। थैंक यू एवरीवन। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही ना? रजनी, राजरानी, रजनी कह रहा हूँ, राजरानी, ठीक है। देवेंद्र, अनुज, रौनक, बनाना है अभी सर जी? अरे हम तो अभी भोजन ही नहीं किए, जा रहे करने। चलो ठीक है, तुम लोग कर लो, ठीक है, ओके।